अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। ग्रोइंग कश्मीर के इस लाइव निशरात में आप सबका खैर मकदम है। जी नाज़रीन, गांदरबल ज़िला में एक ऐतिहासिक ब्रिज जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता था, जिसे वाइल ब्रिज के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर कई घंटों के घंटे जो है इंतज़ार करते रहते थे वाइल ब्रिज पर, जो जाम लगा रहता था उसकी वजह से। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से इसकी इनॉग्रेशन की गई है और इसको ओपन कर दिया गया है आज ऑफिशियली ट्रैफिक के लिए। और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से इसको सजाया गया है, किस तरह से इसकी आज इनॉग्रेशन हुई है। ये लाइव तस्वीरें आपको सीधे वाइल ब्रिज जी हाँ बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें आपको वाइल ब्रिज से दिखा रहे हैं, जहां पर गांदरबल जिला में ये खूबसूरत और सजाया गया वाइल ब्रिज जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता था, और आज इसकी इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से की गई है। और आज आप सबके लिए जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि ये लाइव तस्वीरें आपको जो है ज़िला गांदरबल का जो वाइल ब्रिज है जो हमेशा सुर्खियों में रहता था और उसकी दिखा रहे हैं, जहां पर आज इनॉग्रेशन हुई इस ब्रिज की लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से, जिसे आज ऑफिशियली तौर पर जो है खोल दिया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शौकत अहमद साहब, जो कि सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं गांदरबल के, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देखते हैं आज, जब आज इसको ऑफिशियली तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से खोल दिया गया है। और ये वाइल ब्रिज जो हमेशा सुर्खियों में रहता था, क्योंकि यहाँ पर घंटों के घंटे जाम रहता था और कई बार लोगों की शिकायतें रहती थी कि ये वाइल ब्रिज कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाता है, लेकिन आज जब ऑफिशियली खोला है तो कैसे देखते हैं? बिल्कुल आरिफ साहब, आपको पता ही है कि बहुत परेशानी होती थी इस ब्रिज की वजह से, बहुत ट्रैफिक जाम रहता था लेट तक यहाँ पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लोगों की बात नहीं है, पूरे देश के हर एक कोने से टूरिस्ट आते थे, सोनमर्ग की टूरिस्ट आते थे सोनमर्ग, और अमरनाथ यात्री भी आते थे, उनको भी बहुत परेशानी हो जाती थी ट्रैफिक जाम की वजह से। अब हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि अब आज हम बहुत ही खुश हैं, खासकर हम खुसूसन वाइल विलेज के जो लोग हैं, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं डीसी गांदरबल के कि उसने बहुत तेज़ी से इसका काम जो करवाया, जो बहुत पिछले कहीं 30-40 सालों से काम नहीं हुआ है, तो हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं डीसी गांदरबल के कि उसने बहुत तेज़ी से इसका काम करवाया। सब ये भी बताया जा रहा है कि ये ब्रिज जो है अपनी खूबसूरती में एक अहम ब्रिज है, जो कि खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, तो इसकी खूबसूरती को लेकर आप किस तरह से देखें? बिल्कुल, आप तो खुद भी देख सकते हो कि ये एक मान लो कि हमारी विलेज की है, हम तो वाइल गांव में रहते हैं, हमारी वाइल गांव की एक आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे कि वाइल ब्रिज से हमको जाना जाता है कि हमारा विलेज जो है, हम तो ये तो हमारी वाइल विलेज की आइडेंटिटी एक वाइल ब्रिज है, और बहुत बहुत ही खूबसूरत बना है। मैं फिर से एक बार डीसी गांदरबल को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, पूरे गाँव की तरफ से, पूरे गाँव उसे शुक्रिया करते हैं
है कि उसने बहुत तेजी से इस वाइल ब्रिज का जो काम शुरू किया था। शोक साहब, ये भी कहा गया था कि यहाँ से जो है एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा जो कि 90 फीट रोड जो है सोरा में वहां तक बनेगा, जो वाइल ब्रिज से स्टार्ट होगा। अगर वो बन जाएगा तो यहाँ पे जो रोड की तंगी है उससे एक आजादी मिल सकती है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो पहले वो डिवकम साहब आया था गांधरबल में, तो उसने कहा था कि फ्लाईओवर, मुझे नहीं लगता था कि फ्लाईओवर, तो वो चांस ही नहीं, हो सकता है टंग ऑफ स्लिप भी होगी उसको। फ्लाईओवर नहीं है, फोर लेन की, इसमें ये फोर लेन का है। लेकिन जब तक यहाँ रोड वाइडनिंग वाइल ब्रिज से लेके पांच मोड़ तक जब तक रोड वाइडनिंग नहीं होगी, तब तक हमें ये मुश्किलात और देखने पड़ते हैं। लेकिन जो ब्रिज, ये तो ब्रिज जो बन गया है, इससे थोड़ी सी सहूलियत आ गई है, लेकिन उतनी भी नहीं है जितनी लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। वो तब मिलेंगी जब वाइल ब्रिज से लेके पांच मोड़ तक ये रोड वाइडनिंग हो जाएगी। अब आपकी माध्यम से हम, आपकी वसादत से हम डीसी गांधरबल को और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम वो इस चीज पे भी वो ध्यान दे कि जो ये रोड वाइडनिंग का मसला है, कम इसमें भी थोड़ी सी तेजी होनी चाहिए। थैंक यू जी। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि ये थे सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शौकत साहब, जिनका ये भी कहना है कि बिल्कुल आज खुशखबरी है और आज हम लोग राहत की सांस लेंगे कि वाइल ब्रिज जो है काफ़ी समय से इसका काम जारी था, आज मुकम्मल हो चुका है और आज इसे ऑफिशियल तौर पर खोल दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इनका भी मानना है कि यहाँ से आगे जो रोड है वो अगर वाइड हो जाएगी तो पूरी ज़िंदगी के लिए एक आज़ादी मिल जाएगी, एक फ्रीडम, क्योंकि यहाँ से आगे रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसा कदम भी उठाया जाएगा जिसके कारण ये रोड जो है वो भी वाइड हो जाएगी और लोग जो है वो एक और राहत की सांस लेंगे। लेकिन फिलहाल आज पूरे ज़िला गांधरबल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए खुशखबरी है कि वाइल ब्रिज को आज ऑफिशियली तौर पर इनॉग्रेट किया गया है और आज के बाद यहाँ पर कभी भी आपको जाम नहीं दिखेगा। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।